Hey everyone, this is me Mamta Mehra. Hope you all are doing well. Welcome my YouTube channel Mamta Vlog. Guys, मुझे आज मेरा इतना बिजी शेड्यूल है कि मैं क्या बताऊँ. मुझे आज जाना है एक ऑडिशन में जजिंग के लिए. हमारे कंटिन्यूसली ऑडिशन चल रहे हैं, आप देख रहे हो मेरे व्लॉग्स ऑडिशंस भी आ रहे हैं. तो आज मुझे जाना है मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में रातीबड़ में है और मैं हूँ पीपल्स हॉस्पिटल के पास. तो मेरा घर बहुत दूर है और ऑलमोस्ट मुझे आधे घंटे में निकलना है. और सी मेरी हालत, मैं जस्ट नहा के निकली हूँ, नॉट रेडी फॉर द ऑडिशन गाइस. तो मैं आज व्लॉग बता रही हूँ, हालांकि ये व्लॉग जो मैं बता रही हूँ वो यही बताना चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम कहीं जाएँ तैयार होकर, तो कैसे हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले तो मैं पेट पूजा करूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत. तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऑलमोस्ट मैं चाय नहीं पीती हूँ, दूध पीती हूँ, बट नहाने के चक्कर में मैं वो भी नहीं कर पाई. तो अभी जस्ट मैंने दूध लेकर आई हूँ. सी दिस इज़ माई मिल्क और मुझे इसे पीना है फटाफट जल्दी से, वो भी ब्रेड के साथ. सो गाइज, मैंने जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट ठीक है, ओके ओके है बिकॉज मैं डाइट पे हूँ. एंड अब मैं करने वाली हूँ मेकअप. फटाफट मेकअप कैसे करते हैं ये आप वॉच कीजिएगा. सबसे पहले हम लगाएंगे अपने फेस पे सनस्क्रीन. सबसे पहले ऑल टाइम माय फेवरेट, ऑलवेज आई यूज दिस सनस्क्रीन सबसे पहले, तो ये यूज़ करेंगे हम. आफ्टर सनस्क्रीन वी यूज अ मॉइस्चराइजर, माई ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली पॉन्स मॉइस्चराइजर. अब मैं ये यूज़ करूँगी अपने फेस पे. देन अब मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी वाइट टोन पाउडर. गाइस ये इतना अच्छा पाउडर है कि मैं क्या बताऊँ. बट वैसे मुझे इसे रिव्यू करने का कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है बिकॉज इसके रिव्यूज़ ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं. गाइज ये जो मैं मेकअप बता रही हूँ वो लोग यूज़ करें जिनकी जो स्किन है वो एकदम फेयर है, जिनके स्किन पे ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, रेडनेस नहीं है, पिंपल्स नहीं है, एक्ने नहीं है. ठीक है, वो लोग ये मेकअप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट मेकअप, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एकदम फेयर है. ठीक है, मेरे फेस पे ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, पिंपल्स नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, मेरी स्किन सी एकदम फेयर है. तो मुझे ये सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं नॉर्मल मेकअप में भी एकदम हाईलाइट लगती हूँ. गाइज जब भी हम कभी लेट होते हैं ना तो हम सोचते हैं कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो, तो वो मेरे साथ हमेशा रहता है. तो अभी मैं कम टाइम में ज़्यादा अच्छा मेकअप करने वाली हूँ. मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, बट फिर भी मेरा फेस बहुत अच्छा लगने वाला है, डैम श्योर. आप देखोगे आपको भी अच्छा लगेगा. सो वेट इन वॉच. आफ्टर वाइट टोन पाउडर मैं अपने फेस पर लगाती हूँ लैक्मे का पाउडर, फेस पाउडर ये. ठीक है, इसे नॉर्मल मैं अपने फेस पर लगाती हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा लगे शाइनी. ओके, ज़्यादा नहीं लगाना है, नॉर्मली लगाना है बिकॉज अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी हम पाउडर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी स्किन ड्राइनेस शो करेगी. सो वो शो नहीं करना है. और ये पाउडर ऑलमोस्ट वहाँ लगाइएगा जहाँ पे आपके फेस पे थोड़ा बहुत डार्कनेस हो, जैसे मेरे आई एरिया में थोड़ा सा डार्कर टोन है, बट अभी वो ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यस्टरडे मैंने काजल यूज़ किया था, तो वो ईजिली नहीं जाता बिकॉज मैं मेबलिन न्यूयॉर्क काजल यूज़ करती हूँ. सो इसलिए थोड़ा आप अपना पाउडर अपने नेक के एरिए पे भी लगाइएगा और कान पे भी लगाइए ताकि आपका फेस और कान अलग अलग ना लगे, वरना फेस लगे गोरा गोरा बाकी सब काला काला. आई एम जस्ट जोकिंग. सो पाउडर हमारा डन. ओके, नॉर्मली पाउडर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है. अब मैं अपने आईब्रोज फिल कर ले रही हूँ बिकॉज मेरे आईब्रोज बहुत कम है. सो माय आई शेडो डन. अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक. गाइस ऑलवेज लिपस्टिक से पहले आप अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लिया करो और उसके लिए आप यूज़ करा करो लिप बाम. मैं जॉय की लिप बाम यूज़ करती हूँ. आप चाहो तो किसी भी प्रोडक्ट की लिप बाम यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ ज़रूर कीजिएगा लिटिल बिट ताकि हमारे लिप्स जो है वो हाइड्रेट रहे. और गर्मियों में ऑलवेज हमारे लिप्स ख़राब ही हो जाते हैं, तो प्लीज़ बी केयर. तो मैं लिपस्टिक से पहले थोड़ा सा लिप बाम यूज़ करती हूँ, देन आई एम यूज़ लिपस्टिक. और मैं लिपस्टिक हमेशा अपने ड्रेस के मैचिंग में लगाती हूँ, तो आज जो मेरी ड्रेस है वो थोड़ी सी ग्लिटर तो नहीं कह सकते, शिमर टाइप में है, थोड़ी सी शाइनी है और उसका जो कलर है
वो मैजेंटा कलर है, तो मैं उसी टाइप की लिपस्टिक यूज करूंगी। आई एम यूज दिस टाइप लिपस्टिक, अमेजिंग कलर, बट ऑलवेज की तरह लिटिल बिट, बहुत ही कम यूज करना है। सी माई लिपस्टिक ये थोड़ी सी डार्क है, बिकॉज मेरा जो ड्रेस है वो थोड़ा सा डार्क टाइप का है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा डार्क किया है। राइट नाउ आई एम यूजिंग हाईलाइटर। पर्सनली गाइज, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे हाईलाइटर बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने फेस को हाईलाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा मेकअप लगाते हैं या अपने फेस को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो इट मीन्स कि हम हमारी नेचुरल ब्यूटीज़ को हाइड करते हैं, तो ये गलत है। मैं अपनी नेचुरल ब्यूटी को कभी भी हाइड नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा हर चीज़ जो है वो मैट पसंद है, बिल्कुल एकदम मैट, ठीक है, जिससे हमारे जो नेचुरल ग्लो है वो सामने आए। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, वो बहुत ही मैट है, बहुत ही मैट है, एकदम लाइट उसका जो शेड है बहुत ही लाइट है, तो मैं वही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ लिटिल बिट। मैंने अपना थोड़ा लिप्स पे भी यूज़ किया है, शेड देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने अपने आईज़ पे इनर कॉर्नर से लेके एंड तक, मिड लेंथ तक हाइलाइटर यूज़ किया है, इट लुक्स वेरी ग्रेट। अब मैं अपने आँखों पे काजल यूज़ करूँगी, बट मैं काजल विंग वाला यूज़ करूँगी, जिससे कि लगे मैंने लाइनर भी लगाया है और काजल भी लगाया है। लेट्स, अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो यू कैन चेक माई फाइनल रिजल्ट, ओके, वेट एंड वॉच। चेक गाइस, माई विंग काजल, इट लुक्स वेरी नाइस, सीरियसली वेरी नाइस। अब मैं यूज़ करूँगी अपनी आँखों पे मस्कारा। फाइनली गाइज, मेकअप आर डन, सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नेचुरल एंड ग्लोइंग। गाइज, ये मेकअप से बेनिफिट ये है कि हमारे फेस में पसीने से जो क्रीज लाइन आ जाती है ना, वो आती है फाउंडेशन कंसीलर से, तो हम फाउंडेशन कंसीलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी हमारा मेकअप ऑल डन है, सी, तो उसकी झंझट ख़त्म। हमारे फेस पे पाउडर है जो जो हमारे पसीने को सोप लेगा, तो दिक्कत ख़त्म। लग रही हूँ ना एकदम ब्यूटी क्वीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, डू लॉट्स ऑफ लव, प्लीज़ 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 गाइज, आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट, डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।